अब तक आपने देखा, अगर इन दोनों को उड़ा दिया तो पूनम हमारी होगी ही होगी, साथ में होगा हमारा बेगूसराय का ताज। रुक जाओ लाख, वरना हमको तुम कभी नहीं पाओगे। लेकिन अगर इस बार नहीं आई ना आप, तो आपकी शादी में घुस के प्रियोम को गोली मारेंगे। आज के बाद एक जोरू के लिए और क्यों नहीं भयेगा बेगूसराय में। अब देखिए आगे। बहुत लकी हैं प्रियोम बाबू, आप गोली कंधे पर लगी है, लेकिन हाँ आपको आराम की जरूरत है। अच्छा ठाकुर साहब, मैं चलूं? अरे तुमने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अगर तुम इस तरह से हिलोगे तो तुम्हारा जख्म कैसे भरेगा? तुम्हें आराम करने की जरूरत है। इस घर का जख्म भरने के लिए लाखन को ढूंढना जरूरी है पापा। इसका हिम्मत कैसे हुआ आप पर गोली दागने का? हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। और अगली बार से हमारे हिस्से की गोली का सामना हमें ही करने देना। ये दूसरी बार है जब अपनी जान की बाजी लगाकर तुमने हमारी जान बचाई है। पापा, हमने अपनी जिंदगी आधी से ज्यादा जी ली है। अभी तुमको बहुत दिन जीना है, बहुत कुछ देखना है। हमारी जान बचाने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो हम रखना हमारे हीरो का। ए गुड्डी, ख्याल रखना हमारे हीरो का। जी दादी। ऐसे घूर कर रही हो? हाँ, कभी जख्म नहीं देखा तुमने? हम ये सोच रहे थे कि कहीं आपने पूनम से शादी तोड़ने के लिए गोली तो नहीं खा ली। कितनी चोट लगी आपको, अब पूनम को वरमाला कैसे पहनाओगे आप? हम अब कहाँ भाग रहे हैं शादी से, हमने मन बना लिया ना अपना। आपका मन तो हवा की तरह कभी भी दिशा बदल सकता है। हम क्या बदलेंगे अब? बदल तो हालात गए। वो बेवकूफ प्यार करती है हमसे और हम प्यार नहीं कर सकते उससे। लेकिन उसका दिल तोड़कर उसको तकलीफ भी नहीं दे पाएंगे हम। उसकी तकलीफ की सोचकर दर्द आपको हो रहा है। प्यार सिर्फ उसे नहीं भैया, आपको भी हो गया है। ऐसे क्या देख रहे हो? लोग प्यार में दूसरों से लड़ते हैं, पर आप तो नया रिकॉर्ड बना रहे हो, अपने आप से ही लड़ रहे हो। अब इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए अपने प्यार का? Thank you.
लेकिन अगर इस बार नहीं आई ना आप, तो आपकी शादी में घुस के प्रियोम को गोली मारेंगे, उसके बाद पूरे ठाकुर खानदान के चिता पे आपके साथ फेरे लेंगे, लेकिन साला शादी तुम आपसे ही करेंगे। यहां का कर रही हो? प्रियोम, तुम हमारा सवाल समझी नहीं पुन्नी। हम पूछे, तुमको लाखन के पास होना चाहिए था ना इस वक्त? हम हाँ, तुम्हें जिम्मेदार हो इधर हो इस खून खराबी के लिए, हर एक लाश जो गिरी है उसके लिए। लाखन के साथ साथ हमको भी धोखा दिए तुम। नहीं बड़ी अम्मा, हम जा रहे थे लाखन के पास, लेकिन प्रियोम, प्रियोम, और फिर हमने उनको फोन किया, हम जाएंगे उनके पास, उनसे शादी भी करेंगे। लाखन के यहाँ जाने का रास्ता ये नहीं है पुन्नी। मेरी अम्मा वो प्रियोम, प्रियोम को देखने आए थे, वो ठीक तो है ना? एक आखिरी बार प्रियोम को देखना चाहते हैं, प्लीज बड़ी अम्मा। देख लेना, लेकिन याद रहे ये आखिरी बार होगा। तुम लाखन के पास गई वो भी आखिरी बार, और ना गई वो भी। क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो लाखन उसे मार ही देगा। साला हिम्मत कैसे हुआ बड़ी हवेली पर हमला करने का? हाँ, जो भी इधर आंख उठाकर देखता है हम उसका आंख ही नोच लेते हैं। लाखन के पास हिम्मत तो हमेशा से था, लेकिन अचानक कितने आदमी और हथियार कहां से आ गया उसके पास? भैया हमें भी आज ही पता चला के कि क्या कि लाखन पिछला एक डेढ़ महीना से ड्रग्स का धंधा किए हैं, खूब पैसा बनाया है, आदमी भी बाहर से मंगाए। मुझे दुख है कि मैं हम जानते हैं भैया, अब तो हम उसकी जान का भीख भी नहीं मांग सकते। अंचिता जी, बेगूसराय का एक एक कोना छान मारो, एक एक जगह की तलाशी लो, एक एक दुकान की तलाशी लो। लाखन और उसके आदमी किसी भी हालत में मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जी मालिक। भैया आप कहाँ? लाखन के अलावा एक और चिंगारी है इस घर में जिसे बुझाना है हमें। ये हम कहाँ देख रहे हैं?
यह हमारा डर वाला वहम है कि सचमुच फूलन ठाकुर हमारा कमरे में खड़े और हमको मारने आए हैं। बिंदिया, मालिक, मालिक आप? ओ, हमको लगा हम सपना देख रहे हैं। काहे कि इतना बड़ा आदमी एक गरीब का कमरा में थोड़ी आएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज रात तुम मिथिलेश से मिली थी? नहीं, हाँ नहीं, मतलब वैसे नहीं मिले थे जैसा आप सोच रहे हैं। हम तो बस ऐसे ही बात विचार कर रहे थे। बात विचार करने की औकात है तुम जैसी औरत का हमारे बच्चों के साथ? कौन सा जहर घोला है तुमने हमारे मिथिलेश के दिमाग में कि आज मेरा बेटा अपने बाप के सामने बंदूक तान के खड़ा हो गया? साला, ये अंतर्यामी है का? इसको कैसे पता चला? कोई भी झूठ नहीं सुनेंगे हम। वैसे भी आजकल इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। लाखन जरूरत से ज्यादा होशियार हो रहा है। कभी कोई साधु आकर उसकी मदद कर दे रहा है, तो कभी नकली पूनम का प्लान उस तक पहुंच रहा है। बोलो, तुम ही वो करी हो ना? अंधेरे में तीर मार रहा है, इसको बस हम पे ना डाउट है। पता तो कुछ नहीं होगा इसको। देखिए, हम बहुत छोटा लड़की, बस इतना कह सकती हूँ कि आप ना हम पे शक कर रहे हैं। हम कुछ नहीं किए, लेकिन फिर भी हम आपका इतना मान करते हैं कि आपके शक को भी काटने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि ये सब हम किए हैं, तो ठीक है, हम मानते हैं कि सब हम किए हैं। आप जौन सजा देना चाहो ना, दे दो। नचनिया, बहुत ज्यादा नौटंकी करने की कोशिश मत करो। अगर हमारा शंका सच होता तभी तुम्हारी लाश यहां पड़ी होती। खैर, तुम्हारे कुछ एहसान है हम पर, लेकिन तुम्हारी जात से भी वाकिफ है हम। कुछ तो गोटी खेला है तुमने, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इसी समय इज्जत के साथ बेगूसराय छोड़कर चली जाओ। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि हम बेगूसराय से चले जाएं, तो हम आज रात को ही चले जाएंगे। तुम्हारे एहसान की कुछ कीमत हम यहां छोड़कर जा रहे हैं, इसे लो और यहां से दफा हो जाओ। आज तो बाल बाल बचे। हेलो अम्मा, आज ना फूलन ठाकुर हमारे कमरे में आए थे, उनको हम पे शक हो गया। हमको तो लगा कि आज हम पकड़े ही जाएंगे, पर हमको बेगूसराय से जाने को कहा है। पर बिटिया, अपना ध्यान रखना। हम एक बात कहें? अरे तुम्हारे इस इरादे से कलेजा कांप उठता है। अरे हम तो कहते हैं भूल जा सब कुछ। नहीं अम्मा, हम इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। हम जो उठाने हैं ना, वो करके रहेंगे। कहेगी
ना तो हम अपना इरादा बदलते हैं और ना ही अपना दुश्मन को भूलते हैं। बस कुछ दिन बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही वापस आ जाएंगे। चलिए अब रखते हैं। जो बात हम आज तक तुम्हारी आंखों में पढ़ नहीं पाए, वो बात हमको आज तुम्हारी पर्सनल डायरी से पता चल रही है। उसकी तकलीफ की सोचकर दर्द आपको हो रहा है। प्यार सिर्फ उसे नहीं भैया, आपको भी हो गया। तुमसे करते और हमारी खुशी के लिए तुम हमसे शादी तक करने को तैयार हो गए। तुम्हारी हर तकलीफ की वजह सिर्फ हम हैं, लेकिन आज हम सारी वजह मिटा देंगे हमेशा के लिए। बात है, हम तुमसे खुद को जुदा कर लेंगे। पूनम, हेलो, तुम अभी अभी यहीं पे थी ना? नहीं। हाँ हाँ, समझे या नहीं? हाँ आए थे। तो जगाया क्यों नहीं? तुम सो रहे थे तो तुम तो बाल पकड़ के उठा देती थी हमको जब तुमको हमसे बात करने का मन होता था। तो अचानक ये चेंज क्यों? पता नहीं। हम बताते हैं, हमसे प्यार करके तुम दोस्ती बुलाने के चक्कर में हो, है ना? लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। दोस्ती को मरते दम तक जिंदा रखना है। अरे इतना अच्छा बात बोले हम और तुम हो कि आंखों से गंगा जमुना बहा रही हो।
अपने आप बह रहे, रुकी नहीं रहे। तुमको किसी ने बोला नहीं कि तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते? बोला है। किसने? तुमने। तो फिर आंसू क्यों बहा रही हो? अपने होने वाले पति की बात का रिस्पेक्ट नहीं करती? पता नहीं, अपने आप आते चले जा रहे, जैसे दिल पर काबू ही ना। दिल? ये दिल बड़ा कमीना चीज है। देखो, बिना सोचे समझे तुमको हमसे प्यार करा दिया, और हम तुम क्या